Since it's Mimi's birthday, और जब आज हम मिमी का बर्थडे मना रहे हैं, the Lord has given me a message connected to birthdays. और खुदावन ने मुझे एक ऐसा संदेश दिया है जो कि बर्थडेज के साथ कनेक्टेड है. Birthdays are life. और जन्मदिन जो है वो जीवन है. Every year we go through. और हर साल हम इन्हें मनाते हैं. We're living life. और हम जीवन को मनाते हैं, जिंदगी को मनाते हैं. You know, children flourish when they feel safe. और बच्चे जो है वो अच्छे से बढ़ते फूलते हैं जब उन्हें लगता है कि वो सुरक्षित हाथों में हैं. They love being encouraged. और उन्हें बहुत पसंद आता है जब आप उन्हें उत्साहित करते हैं. For many parents, forming a close bond with their children comes very easily. और बहुत से माँ बाप ऐसे हैं जिनके लिए अपने बच्चों के साथ रिश्ते नाते बेहतर बनाना बहुत आसानी से आ जाता है. For many others who did not feel cherished, और जिन लोगों के लिए ये मुमकिन नहीं हो पाता है, protected, और सुरक्षित वो महसूस नहीं करते हैं, valued during their own childhood, और जब वो अपने खुद के बचपन में उन्हें ऐसा नहीं लगता है कि उनकी एक अच्छी परवरिश हो रही है, वो अपने आप को बेशकीमती मानते हैं, it can be a very big struggle. और उनके लिए बहुत ही एक बड़ा संघर्ष हो सकता है. The good news is that parenting skills can be learned. और अच्छी बात तो यह है कि जो माँ बाप के एक स्किल्स हैं वो आप सीख सकते हैं. Now I know there's a lot of parents sitting here and I don't want you slipping underneath your chairs. I want you to hear this word. और मैं नहीं चाहता कि जो माँ बाप है वो अब इस वचन को गौर से ना सुने. मैं चाहता हूँ कि आप गौर से सुनिए. We have a great teacher. और हमारा एक बहुत ही अच्छा गुरु है. And we have a great manual. और हमें एक बहुत ही अच्छी मैनुअल भी दी गई है. Which we can always look into. और हम हमेशा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. Now providing your child with love and affection is crucial for a healthy development of their brain. और एक अच्छे बच्चे को मदद चाहिए और उसका जो दिमाग है उसे भी बढ़ने के लिए मदद चाहिए. और ये मदद आप दे सकते हैं. The self-confidence. और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए. Capacity to succeed and even their ability to form their relationship as they go through life. और उनकी जो जीवन में मदद होनी चाहिए कि वो अपने अच्छे रिश्ते नाते बना सकें या अपने जीवन में आगे बढ़ सकें. You literally cannot give babies too much love. और आप बच्चों को जो है बहुत ज्यादा प्यार नहीं दे सकते हैं. अपनी छोटा ब्रैंडन है नु जिन्नी मर्जी चुक्की जलो तुसी मुंह चुम्मी जाओ पता नहीं किन्नी यारी और जा मीमी जा अपनी अरियाना हैगी या छोटे छोटे बच्चे हैगे आप किन्ना प्यार करते हैं. और वी कैन नेवर गिव एनफ. How many of you believe that? और आप में से कितने लोग मानते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं उन्हें जितना चाहे आप उतना ही प्यार दे सकते हैं और वो कभी भी उनके लिए काफी नहीं होगा. आप देते रहे वो हमेशा लेते रहेंगे. I even sometimes pull Raju's cheeks and Dominic's cheeks and Bubble's cheek and Rajesh's cheeks. और इस तरह से मैं जो नौजवान भी हैं मैं उनकी भी गाले पकड़ लेता हूँ प्यार दिखाने के लिए. You can't spoil people by loving them. और आप उन्हें इतना प्यार करते हैं कई बार लोगों को या बच्चों को कि आपको लगता है कि ये प्यार जो है वो उन्हें खराब नहीं करेगा जीवन में. There's no such thing as spoiling in my dictionary by holding them too much or giving them too much attention or kissing them or hugging them. और मुझे लगता है कि मेरी खुद की जो प्यार की डिक्शनरी है उसमें मेरा ये मानना है कि अगर आप बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार देते हैं या आप उन्हें इस तरह का प्यार देते हैं जो कि जब आप उनको पकड़ते हैं चूमते हैं गले से लगाते हैं तो ये प्यार जो है ये उन्हें खराब नहीं करेगा जीवन में. Now responding to the signals for feeding and comforting makes the little babies feel very secure. और इसी तरह से जब छोटे बच्चे जो है उन्हें जब आप गले से लगाते हैं या आप उन्हें खाना खिलाते हैं या आप उन्हें अपने करीब लेकर आते हैं उनकी अच्छी परवरिश करते हैं तो उनके लिए ये सब चीजें जो है उन्हें सुरक्षित रखने में बहुत उनको मदद आती है. I'm sure you're experienced at that. और मुझे मालूम है कि आप इसमें काफी ज्यादा अनुभव पा चुके हैं. Grandparents like Sister Elizabeth and Baji and Sister Yasmin and Auntie G and Surinder and I could name all of us. You know, we've been through it not just once but twice. और जिस तरह से जो माँ बाप है या उनके जो माँ बाप है जो दादा दादी या नाना नानी है वो इसे बहुत बार अपने जीवन में अनुभव कर चुके हैं जब उनके नाती या पोते होते हैं. When babies are regularly left alone, और जब बच्चे जो हैं उन्हें regularly अकेला छोड़ा जाता है, they think they've been abandoned. उन्हें ऐसा लगता है कि वो अकेले हैं, उन्हें छोड़ दिया गया है, त्याग दिया गया है. And you know that's one of the reasons why
the child becomes more clingy and insecure when their parents enter the room. They want to go to them and they want to stay with them because they feel that they've been abandoned. और इसीलिए जब माँ बाप उस कमरे में आते हैं तो बच्चे जो हैं वो उनकी तरफ ही आकर्षित होते हैं और वो बार बार उनकी तरफ जाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो ही उनको केवल उठाए क्योंकि वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। When you notice your child's needs and respond to them in a loving, loving way, और जब आप अपने बच्चे की जरूरत को जानते हैं और उसकी जरूरत पूरा करने के लिए आप प्यार से उसके पास जाते हैं, this helps your little one to feel at ease. और ये मदद करता है आपके छोटे बच्चे का कि वो अपने आप को अच्छा और सेफ महसूस कर सके। When a child's world at home is full of love, और जब एक बच्चा जो है उसके घर में प्यार भरा हुआ है, they're better prepared to deal with the challenges of the large world that is outside. और इसलिए इस दुनिया के जो बड़े बड़े चुनौतियां हैं वो उसे फेस करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। A positive early bond lays the ground for children to become grown up. To become happy. और इसीलिए ये सारी बातें जो है बच्चों की मदद करती है कि वो आगे जाकर अपना एक अच्छा रिश्ता बनाकर और अपनी इस दुनिया में आगे बढ़ सके। It builds strength. और ये उन्हें ताकत देता है। Ability to cope. और इसलिए चाहे जीवन में कितना भी बड़ा संघर्ष क्यों ना हो वो उसका सामना कर सकते हैं। With the many challenges that they face outside in that world. और इस दुनिया में बहुत सी ऐसी बातें या बहुत सी ऐसी कठिनाइयां जो है वो उनके सामने आएंगी और वो उसका सामना करने के लिए तैयार हैं। Now listen, I don't need to tell you, we are living in perilous times. और मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है लेकिन इस वक्त जो है वो समय बहुत खराब जा रहा है। A record number of children under 10. और मैं बता रहा हूँ कि रिकॉर्ड पर ये बात है कि 10 साल से कम की उम्र के बच्चे ऐसे हैं। Have been found armed with a weapon with bullets in it. और वो बच्चे जो हैं, उन्हें देखा गया है कि वो 10 साल के से कम के हैं, लेकिन उनके हाथों में बंदूकें हैं। With knives. और उनके हाथों में जो है छुरियां हैं। Who are being groomed and exploited by drug lords and gangs. और जिन्हें जो है इस वक्त ड्रग्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर वो गैंग्स का मेंबर बन गए हैं। Example, just down the road from where I live. और उदाहरण के तौर पर मेरे घर से कुछ ही दूर का जो रास्ता है. Friday night outside St. Mary's Church next to the park. और शुक्रवार की रात को सेंट मेरीज चर्च के सामने और ये पार्क के बिल्कुल बहुत करीब है. Three teenagers at the age of 19 were shot. और तीन teenagers जो कि 19 साल के करीब की उम्र के थे उन्हें मार दिया गया. They were shot. Outside the church, but they survived. और उन्हें मारा तो गया लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से बच गए हैं। Now we are living in a very, very serious, perilous world. और इस वक्त जिस समाज में हम रह रहे हैं वहाँ बहुत बुराई और बहुत पाप है। And police figures are showing a sharp increase in the number of children who were investigated for having weapons. और आज देखा जाए तो पुलिस जो है वो बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशंस कर रही है उन बच्चों की जिनके पास हथियार मिले हैं। You know the age of a 10-year-old, you don't know what he's thinking. He could fire that bullet which would and could kill people. और आप सोचिए कि 10 साल की उम्र का बच्चा जो है वो क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अगर उसके पास एक बंदूक है तो वो आसानी से उसे चला सकता है और किसी को मार सकता है। But the gangs and the, you know, the drug lords, they know there's a loophole. They know that they're underage. They know that they can hide the weapon. They know that if they fire, it's not their responsibility. और जो ये बड़ी बड़ी गैंग्स चलाने वाले लोग हैं, इन्हें मालूम है कि ये बच्चे जो हैं, ये बहुत छोटी उम्र के हैं, इसलिए अगर ये किसी को मार भी देते हैं या कुछ बुरा काम कर भी देते हैं तो ये किसी ना किसी तरह से बच सकते हैं क्योंकि ये इनकी उम्र जो है वो इस काबिल नहीं कि ये किसी सजा का पात्र ठहरे। Okay, so I've painted a picture for you. और मैंने आपके लिए एक तस्वीर बना दी है। Okay, so today we're going to look at and learn and you know how to bond with our children. और आज हम बात कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों के साथ किस तरह से एक अच्छा रिश्ता बना सकते हैं। Which is very crucial. और जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। Now some of you may not be parents yet, but God willing, you will become parents. और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो हैं, वो अभी माँ बाप नहीं बने हैं, लेकिन खुदावन की मर्जी के अनुसार एक समय आएगा जब आप भी माँ बाप बनेंगे। And it's Mimi's birthday. और आज हम मिमी का जन्मदिन मना रहे हैं। So I've related this message to, you know, to the children and parents. और इसलिए मेरा आज का संदेश जो है वो माँ बाप के लिए और बच्चों के लिए खास तौर पे है। So let's have a look at the handbook of God. Here we have it, the manual. और इसलिए परमेश्वर के हाथों की लिखी किताब जो हमारे जीवन की मैनुअल है, आइए उसकी तरफ देखें। It's the greatest book ever written.
और ये सबसे महान किताब है जो कि आज तक लिखी गई है. And all God's people said, Amen. It is the greatest book ever written. Come on, sister. और ये सबसे अच्छी और महान किताब है जो कि अभी तक लिखी गई है. Please have a look at Psalm 127, verse 4. We're going into the Word of God, and there's a blessing here for you guys. भजन 127 उसकी चौथी तीजी आयत. बच्चे प्रभु का वरदान हैं, गर्भ का फल सचमुच एक इनाम है. मनुख दी जवानी दे बच्चे सूरमे दे तीरां वर्गे हैं. आमेन. आमेन. ओके, I'm going to read it in English. Psalm 127 verse 4. Like arrows are in the hand of a warrior, so are the children of one's youth. Happy is the man who has his quiver full of them. They shall not be ashamed, but shall speak with their enemies in the gate. I want you to read it, Cherry, again. Ekwari fi gorna sunna. Psalm 127 verses 4 and 5, please. Bhajan Sahita 127 adhyay, uski 4 aur 5 ayat. Jaise veer ke haath mein teer, waise hi jawani ke ladke hote hain. क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तर्क को उस पर उनसे उनसे भर लिया है. Amen. Now the psalmist King David wrote this verse. और हम देखते हैं कि भजन संहिता लिखने वाले दाऊद ने इसे लिखा है. King David made use of a proverb. और यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद राजा जो है उसने एक प्रोवर्ब को इस्तेमाल करा है. Which was rare for him to do as a means to convey the truth. जो कि बहुत ही एक असाधारण तरीका था उसके लिए अपनी बात को लोगों के सामने रखने के लिए. Now, what is the proverb? और जब हम बात करते हैं तो एक प्रोवर्ब जो है वो है क्या? I want you to really study this. Don't look at children. Don't play around with children now. I want you to hear the word because this word is going to bless you today. इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपने ध्यान को हर तरफ से हटाकर इसी वक्त वचन की तरफ ले आएं क्योंकि वचन आपके लिए सुनना बहुत जरूरी है. A proverb is a comparison of one thing to another used to teach truth about something. एक मुहावरा जो है उसे कह सकते हैं कि वो एक ऐसा जरिया है जो कि एक चीज को दूसरी चीज के साथ कंपेयर करने का और चीजों को आसानी से लोगों के सामने रखने का एक तरीका है. In our reading in verse 4, और आज की हमारी जो बाइबल की रीडिंग है उसमें जो चौथी आयत है किंग डेविड और हम दाऊद राजा के बारे में बात करते हैं. He compares an arrow और वो हम देखते हैं कि वो एक तर्श को एक एरो को कंपेयर करता है इन द हैंड ऑफ अ वॉरियर और जो कि वीर के हाथों में है टू अ चाइल्ड ऑफ वंस यूथ और वो कहते हैं कि जवानी में दिए गए बच्चे जो है जो लड़के जो है वो इसी समान है. I've got four arrows. मुझे खुदावन ने चार एरोज दिए हैं. You may have six. और आपके पास छह हो सकते हैं. You may have eight. और आपके पास आठ हो सकते हैं. I come from a big family. There were seven of us. और हमारी एक बहुत बड़ा परिवार था और हमारे सात जो एरोज थे. You know, my parents were blessed. और मेरे माँ बाप को खुदावन ने आशीष दी थी. But with our modern way of thinking. लेकिन जो हमारा आज का मॉडर्न तरीका है सोचने का. Similarity such as this will leave our minds. It will come through one ear and go through the other ear. और हम देखते हैं कि हम सुनते तो हैं लेकिन एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं बाहर. तीरां दा तो बच्चियां दा की अभी हिसाब किताब सानू पता नहीं लग रहा पादरी साहब. Let me just explain. और मैं आपको समझाना चाहता हूं कि यहां पर क्या बताया गया है. Okay. Why use the arrows and why use this particular verse in the Bible? और हम देखते हैं कि यहाँ पर क्यों सिखाने के लिए इस्तेमाल किया गया है कि वीर के हाथों में जिस तरह से तीर है वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं. Most of us have no dealings with arrows nowadays, do we? Probably some of you have never picked up an arrow. और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी तीर कमानी की नहीं है या कभी तीर को उठाया भी नहीं है. Therefore, we don't give much attention to the picture that's being painted. इसीलिए आप जब इस बात को सुनते हैं तो आपको सुनकर जो है इतनी अच्छी से समझ नहीं आती या फिर आप उस तस्वीर को नहीं बना पा रहे हैं. Have this proverb is saying this verse from the scripture is packed full of practical functions for future parents.
और हम देखते हैं कि जो फ्यूचर पेरेंट्स हैं उनके लिए बहुत सी ऐसी बातें यहाँ पर समझने के लिए हैं जो कि आपके जीवन में आपकी मदद करेंगे. For parents sitting right now. और जो माँ बाप इस वक्त इस कलीसिया घर में भी बैठे हैं. For grandparents. और जो कि दादा दादी या नाना नानी यहाँ पर बैठे हैं. God parents. और जो God parents यहाँ पर बैठे हैं. And even guardians. और यहाँ तक कि जो guardians हैं. There's a picture that's being painted. और यहाँ पे एक ऐसी तस्वीर है जो कि बनाई गई है. So what lessons can we learn from King David's proverb? और जो दाऊद राजा की कही बातें हैं वहाँ पर उससे हम क्या सीख सकते हैं? Now the first thing to consider is this: that arrows that were made in those days in King David's time, right, were not perfectly straight. और आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि दाऊद राजा के जमाने में जो तीर बनाए जाते थे वो बिल्कुल सीधे नहीं थे या फिर बिल्कुल परफेक्ट नहीं थे. No, today's modern technology, you will get it very straight. You will get it very strategic. और आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है इसके हिसाब से जो तीर जो बनाए जाते हैं वो बिल्कुल सीधे और बहुत ही इस तरह के बनाए जाते हैं कि जो कि निशाने पर जाकर गिरे. Now relate that to your children. Guess what? Neither are our kids. Our kids are not और इसी तरह से उन तीरों की तरह अपने बच्चों को भी देखिए. हमारे बच्चे जो हैं वो भी बिल्कुल परफेक्ट या बिल्कुल सही नहीं हो सकते. The reason being that they came from us and we are sinners. और क्योंकि ये हमारे बच्चे जो हैं ये हमारे द्वारा इस दुनिया में आए हैं और हम तो खुद पापी हैं. The warrior or the arrow manufacturer in those days probably spent days preparing his arrow to take flight. और हम सोचते हैं कि उस जमाने के जो वीर हुआ करते थे जो तीर कमानी करते थे वो इन अपने तीरों को सही करने के लिए न जाने कितना समय व्यतीत करते थे ताकि वो अपने निशाने पर बिल्कुल इस तीर को मार सके. He would painstakingly devote hours and hours each day to that arrow. और हम देखें तो वो वीर जो है वो उस तीर को जो है सही करने के लिए पता नहीं कितने घंटे लगाता था कि वो सही हो जाए. They would remove the bark of the wood. और जो हम देखते हैं कि जो लकड़ी है उस पर अगर कोई भी सही नहीं है तो उसे वो निकालता था. Drying them. और वो उसे सुखाता था. Removing the crooked parts. और जितने भी उल्टे सीधे उसमें रस्ते थे उसे वो हटाता था. Standing and sanding and balancing the arrows so that they could be fired accurately. और वो इस तरह से इन तीरों को जो है सही करता था, इन्हें सैंड करता था, इन्हें सीधा करता था, इनकी मरम्मत करता था ताकि जब वो अपनी तीर कमानी करे तो तीर को जब वो छोड़े तो वो जाके सीधा निशाने पर गिरे. Here's a question for you. और आपके लिए एक सवाल है. How much time do we spend with our kids? और कितना समय ऐसा है जो कि हम अपने बच्चों के साथ व्यतीत करते हैं? In preparation. ताकि हम उनकी तैयारी कर सकें. Getting them ready. ताकि हम उन्हें तैयार कर सकें. Releasing them in the flight of life. और ताकि हम उन्हें छोड़ सकते हैं और वो सीधा निशाने पर जाकर लगे और ये दुनिया की जो फ्लाइट है उसे वो भर सके. Are you getting the point? क्या आप समझ पा रहे हैं कि मैं आपको क्या समझा रहा हूँ? It's not mentioned here, but it is understood. Every arrow, okay, every arrow needs a what? और मेरा सवाल है आपसे कि हर एक जो एरो है उसे किस चीज की जरूरत है? To fire it, उन्हें थोड़ा को मार देना है करके ना. तीर जो है उसे चलाने के लिए आपको क्या चाहिए? You need a bow. और आपको तर्क की जरूरत है. It's not mentioned here, but you need a bow. और हम देखते हैं कि यहाँ पर इसका जिक्र तो नहीं किया गया लेकिन आपको उसकी तीर कमानी करने के लिए चाहिए उसकी जरूरत है आपको. A bow has dynamic tension in it. और हम देखते हैं कि जो एक बो है उसमें एक तरह की टेंशन है. That is stored up in the wood. और जो ये लकड़ी जो है इसके साथ ये जुड़ी हुई है. With it for use whenever it is needed. और आप उस टेंशन को जितना चाहते हैं आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं और उसे आप छोड़ सकते हैं ताकि वो तीर जो है वो सीधा जाके निशाने पर लगे. How many bows are sitting here? और कितने ऐसे लोग हैं जो कि बोस की मानत यहाँ पर बैठे हैं? I'm a bow. और मैं उनमें से एक हूँ. हाथ चुको. Yes, you are all bows. और आप सब भी एक इसी तरह के हैं. We as parents or guardians are obviously the bows. और हम जो कि माँ बाप या फिर guardians होने के नाते हम उस bow की तरह हैं, उस तीर कमानी के लिए जो इस्तेमाल की जाती है. An arrow needs great tension to launch it. और एक जो तीर है उसे बहुत ज्यादा टेंशन की जरूरत है इससे पहले कि उसे छोड़ा जाए. So that it can fly. अब ताकि वो दूर तक उड़ान कर सके. The warrior must be able to adjust the tension.
और मेरा ये मानना है कि जो वीर है वो उस टेंशन को एडजस्ट कर सकता है कि कितना करना है कितना नहीं, अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ हिज एरो, और जितना उसके तीर का वजन है उसको देखकर वो उसके अंदर टेंशन डाल सकता है. And what I'm saying is that every arrow is different. और मेरा ये मानना है कि हर एक तीर जो है वो फर्क है. Every child is different. और हर एक बच्चा जो है वो फर्क है. Now I am different to my brother. और मैं मेरे भाई से फर्क हूँ. He is different from my other brother. और वो मेरे दूसरे भाई से फर्क है. And he is different from my other brother. और वो मेरे दूसरे भाई से भी बिल्कुल फर्क है. There were four brothers and we're different from our sisters. और हम चार भाई थे और हम अपनी बहनों से फर्क थे. Every child is different. और हर एक बच्चा जो है वो फर्क है. We must nurture each one according to their personality. और हर एक बच्चा जो है उसकी एक फर्क पर्सनालिटी है और आपको उसकी परवरिश उसके मुताबिक करनी है. Their character, और उनका कैरेक्टर जो है वो बिल्कुल फर्क है. Their will, और उनकी मर्जी जो है वो फर्क है. And God's unique purpose for them. और जो परमेश्वर की एक बहुत ही फर्क योजना उनके जीवन के लिए है. Listen, these arrows that God has given you, और ये तीर जो कि प्रभु ने आपको दिए हैं, must be aimed in the right direction. और आपको इन तीरों को जो है सही दिशा की तरफ लेकर जाना है. When they are aimed in the wrong direction, और जब ये गलत दिशा की तरफ चले जाते हैं, they shoot each other. और वो एक दूसरे को शूट करते हैं. They knife each other. और वो एक दूसरे पर चोरियां चलाते हैं. They go and rob supermarkets. और वो सुपरमार्केट्स में जाकर चोरियां करते हैं. They get in all kinds of problems. और वो हर एक दुनिया की समस्या में अपने आप को डाल देते हैं. Broken arrows. और वो टूटे हुए तीर हैं. Are you getting the word? क्या आप आज के इस मैसेज को समझ रहे हैं? Come on, you're being blessed by God. You have arrows in your quivers, and I tell you something. You've got to make sure that you get that arrow. You give it the right direction, and you release it at the right time. और आप खुदावन की तरफ से आशीषित हुए हैं कि खुदावन ने आपको तीर दिए हैं, और इसलिए आपकी अब ये जिम्मेवारी है कि ये तीर जो है ये सही दिशा की तरफ जाए. Now listen, if we don't understand our children. और अगर हम अपने बच्चों को समझ नहीं पाते हैं, and if we judge them, और अगर हम बार बार उन्हें जज करते हैं, constantly pester them, और बार बार हम उन्हें तंग करते हैं, find faults in everything they do, और जो भी काम वो करते हैं उसमें हम नुक्ताचीनी करते रहें, they will never feel comfortable with you. और इसीलिए वो आपके प्रति उस कंफर्ट को महसूस नहीं करेंगे. They will never turn to you for help as they go through life. और जब वो जीवन में आगे बढ़ेंगे वो आपके पास कभी भी मदद के लिए नहीं आएंगे. Be aware. इस बात को समझिएगा. Broken arrows come in all forms. और ये टूटे हुए तीर जो है वो हर एक रूप में आते हैं. Pain isn't prejudiced. और आपका तो दर्द जो है वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. It doesn't spare anyone. और दर्द जो है वो किसी को भी सोच समझ कर नहीं आता है. No age group. और उसके लिए कोई उम्र का तकाजा नहीं. No है. Culture. और इसमें कोई कल्चर नहीं है. No background. और आपकी बैकग्राउंड जो है वो भी मायने नहीं. No race or no color. और इसमें रूप रंग या फिर कोई कल्चर का कुछ भी जुड़ा नहीं है. Pain is pain. और दर्द जो है वो तो दर्द है. And it won't spare you. और वो आपको कभी छोड़ेगी नहीं. तैनू कदी भी छड़ेगी नहीं. तैनू कदी भी माफ नहीं करेगी. तुसी ओदे शिकार बनना ही बनना हैगा. जिहड़ी दर्द हैगी आ, इट हैज नो फेवरेट्स. और जो दर्द है वो किसी की भेदभाव नहीं करती. उसके लिए कोई भी पसंदीदा या फिर नापसंदीदा नहीं है. Lastly, the warrior must know where the target he intends to launch his arrow is located. और हम देखते हैं कि जो एक वीर है उसे मालूम होना चाहिए कि उसने अपने टारगेट को किस तरफ करना है और किस तरफ ये तीर जाके लगने चाहिए. He must have the target in sight. और उसका टारगेट जो है वो बिल्कुल उसके सामने होना चाहिए. ये थोड़ा कि नेरा करके मगरों तीर मारे जाने हैगे है ना. तुम्हें पता ही नहीं वे तीर उधर मारने हैगे तो तुसी मार इधर रहे हैगे हैं. You got to know where the target is. और इसीलिए जरूरी है कि आपको मालूम हो कि आपका टारगेट किधर है ताकि आप अपने तीर को सही दिशा की तरफ लेकर जा सके. So that you can hit it. ताकि आप उसे मार सके. And as Christians, as believers, और मसीही होने के नाते और विश्वासी होने के नाते, Jesus is the ultimate target we are launching our children. और प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारा सबसे पसंदीदा टारगेट है जिसकी तरफ हम अपने बच्चों को आज लॉन्च कर रहे हैं. And the question for us is, और जो सवाल हमारे लिए है वो ये है, Have we got Jesus in our target? कि क्या प्रभु यीशु मसीह हमारे टारगेट में है? Have we got him in sight? क्या वो हमारे साथ है? How close is he to the target? और वो कितना करीब है हमारे टारगेट के? Okay, righteousness. और धार्मिकता, honesty.
और ईमानदारी जो है, is also a daily target we strive to launch. और ये हमारे डेली टारगेट है जिसकी तरफ हमें अपने बच्चों को लॉन्च करना है. And we must launch and fire that quiver, those children in the right direction towards Jesus Christ. और हमें अपने बच्चों को जो है इस दिशा की तरफ लेकर जाना है कि वो खुदावंद यीशु मसीह की बताई हुई बातें और उसकी बताई हुई जो अच्छी क्वालिटीज है वो उसकी तरफ जाएं. आमीन बोल दो. Are you getting the message? क्या आप इस मैसेज को समझ पा रहे हैं? While we play a vital role in our children's lives. और जब हम अपने बच्चों के जीवनों में एक बहुत ही खास रोल अदा करते हैं. In terms of a relationship with the Lord. कि वो अपने रिश्ते को खुदावंद यीशु मसीह के साथ किस तरह से बेहतर बना सके. We can't make them or force them to have one with him. लेकिन हम उन्हें जबरदस्ती जो है या फोर्स करकर खुदावंद यीशु मसीह के साथ नहीं जोड़ सकते. आजकल तो बच्चों को खाना खिलाना बड़ा मुश्किल हो गया है अभी. आज के बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा अकलमंद है तो उन्होंने आप मजबूरी ना कुछ भी नहीं करा सकते. We can't do anything. We can't force our children to have this, to have that, to have the other. Never mind telling them to follow Christ. That's a later thing. But I tell you something. You can't force that upon your children. और आप किसी भी बात की कोई जबरदस्ती करकर आप अपने बच्चों को कोई काम नहीं करवा सकते हैं आज के जमाने में. Our duty, our job, we can launch them towards a relationship with Him. और हमारी जिम्मेवारी ये है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के रास्तों की तरफ या उसकी तरफ इन बच्चों को लॉन्च करें. Guess what? लेकिन आप सोचिएगा. If you haven't got a relationship with Christ, are you going to launch them? क्या अगर आपका खुद का रिश्ता खुदावंद यीशु मसीह के साथ नहीं है तो फिर किस तरीके से आप उन्हें लॉन्च कर सकते हैं? So you've got to have a relationship with Christ first before you can teach your children to have a relationship. और इससे पहले कि आप अपने बच्चों को खुदावंद यीशु मसीह की तरफ लॉन्च करें आपका खुद का रिश्ता पहले खुदावंद यीशु मसीह के साथ सही होना चाहिए. We can't make our children have a relationship with the Lord. और हम उन्हें जबरदस्ती जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ नहीं जोड़ सकते हैं. We can, however, certainly give them an excuse for not wanting one. लेकिन हम उन्हें एक बहाना जरूर दे सकते हैं कि वो हमें कह सके कि हम क्यों खुदावंद के साथ अपना रिश्ता बनाएं. As we can see. और जब हम देख सकते हैं. Like a warrior in the battlefield. और जिस तरह से एक वीर जो है कि वो युद्ध के मैदान में है. How many of you know parenting is, you know, it's not for weaklings. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो एक परवरिश करना बच्चों का एक माँ बाप के लिए वो बहुत कोई आसानी का काम नहीं है. देखो मेरे बहन मेरे भरा बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैगे हैं पर कई इन्नी जिदा कहते हैं बरकत नहीं मिलती है कि वह उन्होंने प्यार मिले या मोहब्बत मिले या उन्होंने डायरेक्शन मिले. As they say, it's easy to give child a birth, but I tell you something, bringing it up in the right direction is another thing. और एक बच्चे को जन्म देना जो है वो तो आसान हो सकता है लेकिन एक बच्चे की सही रीति से परवरिश करना उन्होंने सही रास्तों की तरफ डालना वो सबसे कठिन बात है. Parent is not for weaklings. और ये माँ बाप बनना जो है ये कमजोर लोगों के लिए नहीं है. Just as a warrior takes his bow and arrow in hand. और जिस तरह से एक वीर जो है वो अपने तीर कमान को अपने हाथों में लेता है with his target in sight, और वो अपने टारगेट की तरफ देखता है and launches it, और वो अपने तीरों को जो है वो सही दिशा की तरफ फेंकता है with strength, और वो ताकत लगाता है determination, और वो पूरा जोर लगाता है and intention, और उसकी पूरी नियत है. We must do the same. और हमें भी ऐसा ही करना है in our approach, और हमारा जो एक अप्रोच है to parenting. और माँ बाप बनने के प्रति पेरेंट्स माँ बाप जो है we bless you in the name of Jesus. हम आपको खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आशीषित करते हैं. Look after the children that God has given you. आपका ये बहुत बड़ा रोल है आपकी जिम्मेवारी है कि जो बच्चे खुदा ने आपको दिए हैं आप इनकी सही रीति से देखभाल करें. But make sure that you have a relationship with Christ before you start introducing them to Christ. और इससे पहले कि आप अपने बच्चों को खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कुछ भी बताते हैं गौर फरमाइएगा कि आपका खुद का रिश्ता खुदा के साथ सही हो और आप सही रीति से खुद चलने वाले हो. The Lord bless you. खुदावंद आपको बहुत आशीष दे. आमीन.